हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड खुशहाल होंगे। तो मैं हूँ अभी अपने अम्मी अब्बू के घर पे और यहाँ पे मैं अजहान को थोड़ा सा छेड़ रही थी, जो मेरे गोद में बच्ची है और मेरे जेठानी की बेटी है। और अजहान इसको मार रहा था क्योंकि वो मेरे गोद में थी। और अभी मैं जा रही हूँ अपने घर पे। एक्चुअली आज चिल्ड्रन डे है, ये व्लॉग है संडे का और हम लोग अभी बच्चों को लेके जाने वाले हैं गेम खिलाने के लिए। तो हम लोग वन नाइट स्टे के लिए गए थे अम्मी अब्बू के घर पे और घर जैसा था मैं वैसे ही छोड़ के चली गई थी। तो वापस आने पे इसकी कंडीशन दिखाती हूँ। ये अजहान ने पूरा थर्माकोल बॉल्स गिराया है और ये बेडरूम में। एक्चुअली कल मेरा कुछ काम चालू था, मैं थोड़ा बहुत अपने कपड़ों को डिक्लटर कर रही थी, थोड़े बहुत कपड़े निकाल रही थी, रख रही थी, तो फिर जैसा काम हुआ वैसे ही छोड़ के चली गई। और ये मैंने अजहान के लिए एक बॉटल मंगाई थी। अजहान है ना, बॉटल के जो सिपर रहते हैं ना उसको दांत से काटता है, तो इसके लिए मैं ना उसके लिए अभी हल्की वाली सस्ती वाली बॉटल ही लेके आई हूँ। और अभी मैंने बच्चों को रेडी कर दिया था और हम लोग निकल गए हैं। तो अभी मेरे हस्बैंड हम लोग को बाहर ही मिलेंगे। अभी हम लोग पहुंच गए हैं फिनिक्स मार्केट सिटी में। यहाँ पे है टाइम जोन और हैप्पी प्लैनेट, तो मोस्टली हम लोग टाइम जोन में ही जाते हैं। तो अभी हम लोग टाइम जोन में जा रहे हैं। पता है मैं घर से क्या सोच के आई थी कि आज चिल्ड्रन डे है, कुछ ऑफर्स रहेंगे गेम पे। नॉर्मली ट्यूसडे को रहता है, मतलब जो गेम 60 रुपीज़ का रहता है वो आप 30 रुपीज़ में प्ले कर सकते हो, ऐसा कुछ तो भी रहता है। बट मैंने सोचा था आज चिल्ड्रन डे है तो आज भी रहेगा, बट आई वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग। उल्टा चार्जेस ज़्यादा थे और इतनी क्राउड थी ना, ऐसा लग रहा था कि सब लोग ने मेरे जैसे ही सोच के, मेरे जैसे ही प्लानिंग करके आए थे। फिर भी हम गए थे तो हमने बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन 4-5 गेम बच्चों को खिला दिया था। और अभी मैं आपको यहाँ का क्राउड भी दिखाती हूँ। और अजहान है ना, वो हर झूले पे रोता है, चाहे कितना भी स्लो झूला हो। वो आपने स्टार्टिंग में देखा होगा येलो कलर की कार में बैठा था, वो उसमें भी इतना ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। वो बहुत डरता है, वो बैठता ही नहीं है झूले में। बस यही हमारा लास्ट गेम था और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए थे। एक्चुअली हम लोग को भूख बहुत लगी थी, मेरे हस्बैंड ने और मैंने कुछ भी नाश्ता नहीं किया था। मैंने बच्चों को एक एक बनाना दे दिया था, अरहान और आयत को, और अजहान को थोड़ी सी दही खिला के ले आई थी, बस वही खाया था हमने। एंड यहाँ पर ये डेकोरेट किया हुआ था फिनिक्स मार्केट सिटी को। आई गेस ये सेम डेकोरेशन मैंने पहले भी अपने व्लॉग में शेयर किया है। हम लोग हेमलीज़ में थोड़ा सा विंडो शॉपिंग के लिए आ गए थे। एक्चुअली हम लोग अवॉइड करते हैं लेकिन विंडो शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। यहाँ पे बहुत क्यूट सा ऐसे लायन था, उसके दो बेबी से बहुत क्यूट सा टॉय लग रहा था, हमने लिया कुछ भी नहीं था। उसके बाद यहाँ पे भूख की वजह से एकदम हालत ख़राब थी तो हम लोग फटाफट टूट पड़े थे डोनट पे। और हमने मैगी से बर्गर ऑर्डर किया था तो हमारा बर्गर आने में टाइम लग रहा था। तो टिल देन मेरे हस्बैंड ने उनको बोला कि भूख बहुत लगी है, आप जब तक फ्रेंच फ्राइज़ ही दे दो। तो उन्होंने फ्रेंच फ्राइज़ दिया और उसके बाद यहाँ पे हम लोग फ्रेंच फ्राइज़ खा रहे थे। एंड बिलीव मी, लाइफ में फ़र्स्ट टाइम हम लोग 5 जन में ने मिल के 6 डोनट फिनिश किया था। एंड उसके बाद हमारा बर्गर आ गया था तो हम लोग ने बर्गर खा लिया था और यही हमारा डिनर भी था उस दिन। उस दिन मॉल में बहुत क्राउड थी। इनफैक्ट जब हम लोग फूड कोर्ट में गए ना तो वहाँ पे एक भी टेबल नहीं खाली था बैठने के लिए। और हम लोग थोड़ी देर के लिए बुक करके खड़े थे, एटलीस्ट 10 मिनट के लिए एक टेबल बुक करके खड़े थे तब हम लोग को जगह मिली। एंड देन वी सेट देयर।
उसके बाद हम लोग घर पे आ गए थे और मैं फटाफट से अपना बेड क्लीन करने लगी थी क्योंकि सभी लोग बहुत थके थे, बच्चे भी बहुत थके थे, तो मुझे पता था कि सब लोग जल्दी से सोएंगे और कल का पसारा, आज का पसारा सब मैं वैसे ही छोड़ के गई थी। तो मैंने फटाफट से बेड क्लीन किया और सब लोग सो गए थे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट डे, यहाँ पर फिर से मैं वही करने लगी हूँ, बच्चों के कुछ कपड़े डिक्लटर करने लगी थी, कुछ कपड़े निकालने लगी थी और थोड़ा बहुत अजान का मैं जो सेक्शन है कबाट में वो सेट कर रही थी। एक्चुअली मुझे तीन महीने में एक बार तो करना ही पड़ता है और थोड़ा बहुत मैं सामान इधर उधर करते रहती हूँ, जगह बनाती रहती हूँ। और ये मेरा दोनों चूड़ी केस है, मैं आपको दिखाती हूँ। जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तो मैं जो कलर के कपड़े लेती थी, ड्रेस लेती थी, वो कलर का सेट बना के चूड़ियाँ ले लेती थी। तो ये पूरा मेरा चूड़ी केस भरा है। ये इनफ नहीं है, मैंने बहुत सारी चूड़ियाँ ऐसे फेक भी दी हैं। और ये पूरा कड़ा है जो ये चूड़ियों के बीच में लगता है। तो और अब मैं इनको बिल्कुल भी नहीं पहनती हूँ, तो मैंने इनको उठा के एक जगह पे रख दिया है। और ये है सेलिब्रेशन जो मेरी फ्रेंड सुप्रिया ने अरहान को दी थी भाऊबीज के टाइम पे। वो अरहान को राखी भी बांधती है, आपने रक्षाबंधन के व्लॉग में देखा होगा। तो ये मैंने उठा के ऐसे ही रख दिया था। और जो मेरे हस्बैंड को दिवाली में गिफ्ट मिला था ना, वो भी मैंने ऐसे ही रख दिया था। ये देखिए, ये जो कैसरोल था इसके अंदर एक मिठाई का डब्बा भी था, तो वो भी मैं रख के भूल गई थी और मैंने आज निकाला इसमें से। एक्चुअली मेरे वार्डरोब में ऊपर एक सेक्शन में खाली रखती हूँ जहाँ पे मैं सारी रैंडम चीज़ें रख देती हूँ और फिर बाद में जब मुझे टाइम मिलता है ना, तब मैं वो पूरा खाली करके फिर चीज़ों को उनकी जगह पर सेट करती हूँ। और ये मेरे हस्बैंड को मेरे देवर ने, आमिर ने उनको गिफ्ट दिया था। ये मोबाइल सैनिटाइज़र, ये कैसे काम करता है मुझे भी नहीं पता, मैं बाद में कभी आपको दिखाऊंगी। और उसके बाद नेहा आ गए थे आयत को किसी बर्थडे पार्टी में लेके जाने के लिए, तो मैंने आयत को रेडी कर दिया था। ये लोग जा रहे थे किसी बर्थडे पार्टी में। और उसके बाद आगे मैं आपसे एक बहुत ही अच्छी और सिंपल सी रेसिपी शेयर करूँगी। यहाँ मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है। पनीर को छोटे छोटे पीसेस में काट लूँगी और इनको मैं फ्राई कर लूँगी। ये रेडीमेड पनीर है और एक तरफ मैंने चावल बॉईल करने के लिए रख दिया है। 90% चावल को कुक कर लूँगी। और उसके बाद ये देखिए, एकदम हाई फ्लेम पे मैं पनीर को फ्राई करूँगी। थोड़ा सा दोनों साइड लाइट ब्राउन हो जाए, बस इतना ही फ्राई करूँगी। लो फ्लेम पे करूँगी तो पनीर जो है ना, वो एकदम ऐसे कड़क हो जाएंगे। इसके लिए इनको मुझे सॉफ्ट ही रखना है, इसलिए मैंने हाई फ्लेम पे थोड़ा सा दोनों साइड से ब्राउन करके निकाल लिया। अभी मैंने रखी है कढ़ाई, मसाले की तैयारी कर रही हूँ। तेल को गरम किया, तेल में डाला ज़ीरा, अभी डाल रही हूँ अनियन। मैंने एक अनियन को अच्छे से चॉप करके लिया था। अच्छे से इनको भून लूँगी और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने डाला है यहाँ पे एक चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसको भी मैं अनियन के साथ में अच्छे से फ्राई कर लूँगी जब तक इसकी रॉ स्मेल ना चली जाए। एक तरफ मेरा चावल भी बॉयल होने लगा है। चावल को मैंने 10 मिनट्स के लिए पानी में सोख करके रख दिया था। उसके बाद जब ये फ्राई हो जाएंगे तो मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ का टोमेटो चॉप करके लिया था और वो डाल दिया है इसमें। और अभी मैं डाल रही हूँ इसमें नमक एंड अदर स्पाइसेस। तो अदर स्पाइसेस मैं डाल रही हूँ, मैं इसमें रेड चिली पाउडर एज़ पर योर टेस्ट, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर 2 चम्मच, थोड़ा सा गर्म मसाला 1/2 चम्मच के आसपास। थोड़ा सा डाल रही हूँ पानी इसको अच्छे से भूनने के लिए। और एक तरफ मेरा मसाला भून रहा है, एक तरफ मेरा चावल भी बॉईल हो रहा है। और जो पनीर मैंने फ्राई करके निकाला था उसको मैंने हल्के से गर्म पानी में नमक डाल के रख दिया है। मैंने डाली है थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच से भी आधा। उसके बाद यहाँ पे डाल रही हूँ सेजवान चटनी। मेरी सेजवान चटनी ख़त्म हो गई थी, मुश्किल से 1 चम्मच निकली थी, तो मैंने उतनी ही डाली है। इनकेस अगर आपको और ज़्यादा चटक चाहिए तो आप डाल सकते हो और ज़्यादा। उसके बाद मेरा मसाला भुन रहा था और यहाँ पे मैं अपने जो भी वेजिटेबल्स मुझे इसमें डालने हैं वो मैं कट करने लगी हूँ। मैं बना रही हूँ पनीर फ्राइड राइस। तो जो भी वेजिटेबल्स आप प्रेफर करते हो, मैं यहाँ पे ले रही हूँ गाजर, शिमला मिर्च और अनियन। आप चाहो तो इसमें जो तीनों तरह के शिमला मिर्च आते हैं वो भी डाल सकते हो, कैबेज भी डाल सकते हो। मेरा मसाला रेडी था और यहाँ पर चावल को मैंने ऐसे बड़े से छन्नी में
पानी ड्रेन होने के लिए रख दिया था और एक तरफ मैंने पनीर को भी ऐसे पानी ड्रेन होने के लिए रख दिया है। उसके बाद अभी ये कढ़ाई को मैं शिफ्ट कर रही हूँ दूसरी तरफ। तो मैंने जिसमें पनीर को फ्राई किया था उसी फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल था, उसी में मैं मुझे जितने भी वेजीज डालने हैं उनको फ्राई करके लूँगी। तो सबसे पहले मैंने डाला है अनियन, थोड़ा सा अनियन जैसे ही हो जाएगा उसमें मैं बाकी के वेजीज डाल दूँगी और इतना ही फ्राई करूँगी कि वेजीज का जो चंक है वो नहीं जाना चाहिए, ये थोड़े क्रंची से ही होने चाहिए, बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना है। इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, नमक नहीं डाला है, नमक की वजह से वरना नरम पड़ जाएंगे इसलिए मैंने नमक नहीं डाला है, सिर्फ डाला है थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर। अभी मैंने मसाला वापस से हीट करने के लिए रख दिया है, मैंने कढ़ाई चेंज कर ली है और मैंने यहाँ पे डाला है फ्रोज़न मटर, ये ऑलरेडी बॉयल रहते हैं, इनको बॉयल होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा भुनने के बाद में मैंने जितने भी वेजीज थे उनको और पनीर को एक साथ में इसमें डाल दिया है। अभी जो राइस मैंने कुक किया था 90% तक उसको इसमें डाल दूंगी और अच्छे से इनको मिक्स कर लूंगी। अच्छा, जो राइस था वो 90% ही कुक था तो 5 मिनट के लिए ढक के पका लूँगी ताकि जो राइस है वो 100% कुक हो जाए। और कुछ अच्छा बनाने जाओ तो किचन की हालत देखो क्या हो जाती है। तो मुझे अभी फटाफट से किचन क्लीन करना है और मेरा राइस भी रेडी है। अभी मैं इसमें डाल दूँगी हरा कांदा और हरा धनिया, ये डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर दूँगी तो मेरा अच्छा सा डिलीशियस सा पनीर फ्राइड राइस तैयार है। मैंने बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाया था बिकॉज ऑफ द किड्स और मेरा किचन भी रेडी था, क्लीन था और उसके बाद आयत भी आ गई थी बर्थडे पार्टी से। तो आई होप आपने ये व्लॉग इंजॉय किया होगा। प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू हैवंट येट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।